चलिए तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में रोलिंग मोशन। जो आर्टिकल नंबर 7.14 है वो है रोलिंग मोशन, और ये एक्चुअली पूरे चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं और सबसे आसान भी है। ये दो तीन फॉर्मूले केवल ये पढ़ाए जाएंगे आपको। अगर वो फॉर्मूले आपको याद हैं तो आपसे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, काफी आसान है। पर हाँ, इसी का फोबिया स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा रहता है। शायद कारण यह है कि चैप्टर के एंड में है और यहाँ तक आते आते आप बोर हो जाते हो। पूरा चैप्टर टफ है पर ये आसान, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, और स्टूडेंट्स इससे काफी डरते भी हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, द मोस्ट कॉमन मोशंस ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ इज द रोलिंग मोशन। ऑल व्हील्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन आर रोलिंग मोशंस। जितने भी गाड़ियां हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इन सब में जो पहिया है वो रोल करते हुए आगे जाता है। और specificness, we shall begin with the case of disc, but the result will apply to any rolling body rolling on a level surface. हम पहले horizontal surface पे rolling की बात कर रहे हैं। कहता we shall assume that the disc rolls without slipping. तो आप heading दे दीजिए pure rolling, आप अपनी heading दे दीजिए और उसके bracket में लिख दीजिए rolling without slipping. थोड़ा बहुत ही पहले आ भी चुका है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑब्लिक स्लाइडिंग मोशन नहीं हो रहा है या स्लिप नहीं हो रहा है, प्योर रोलिंग ही हो रही है। समझना बाकी है, पर यही हमारा आज का डिस्कशन है एक्चुअली। दिस मीन्स दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द बॉटम ऑफ द डिस्क The bottom of the disc, which is in contact with the surface, is at rest on the surface. ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ये जो डायग्राम 7.36 बनाया, ये वही स्विमर वाली बात है, समरसॉल्ट वाली बात कि पहले डाइविंग बोर्ड से जंप करता है तो उसकी क्या पोजीशन होती है, और बाद में जब बॉडी मोल्ड लेता है आगे या पीछे की तरफ तो फिर क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो हम तो प्योर रोलिंग को डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा लिख दीजिए। इसने लिखा है द व्हिच इज इन द पॉइंट व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस एट रेस्ट ऑन द सरफेस। लिख दीजिए द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस। मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो जब रेस्ट पे है उसमें कोई वेलोसिटी ही नहीं है। ये पहिया ऐसा हुआ और यहां से घूम के ये आया, जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तब वो उस इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे है। तो उसमें रेस्ट पे है तो मतलब वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है तो स्लाइडिंग मोशन है ही नहीं। फिर से लिख दीजिए द इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट रेस्ट। जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हिंदी में भी लिख दें इस बात को कि जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तब वो रेस्ट पर है। जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तब वो रेस्ट पर है। इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट एंड देयरफॉर नो रिलेटिव मोशन, नो स्लाइडिंग मोशन। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जीरो। Velocity of the point of contact is zero. The velocity is zero, तो rolling motion नहीं है, sliding motion नहीं है, तो slipping नहीं हो रही है, sliding नहीं हो रही है, बस body roll कर रही है। तो एक ही important बात है जहां आपने लिखा है कि point of contact की velocity zero है, उस पर आप चार स्टार दे दीजिए। जब pure rolling होती है, pure rolling में जब जो point of contact होता है तब वो rest पे आ जाता है। बाकी मोमेंट्स पे उसमें वेलोसिटी होती है, पर जब वो जमीन को टच कर रहा होता है उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, इसलिए कोई स्लाइडिंग मोशन नहीं होता। स्लाइडिंग मोशन को ही स्लिपिंग मोशन कह रहे हैं। कहता वी हैव रिमार्क अर्लियर दैट रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। एकदम शुरू में ही इसने बात कर दी थी। वी नो दैट द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ट्रांसलेशनल मोशन तो अब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से ही डिस्कस किया जा सकता है। ऐसा लिख दीजिए, चलिए, कोई खास इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है।
हाँ लिखिए, रोलिंग इज इक्वल टू ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ये बात तो जरूर काम की है, रोलिंग इज इक्वल टू ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। रोलिंग में अगर अगर ट्रक का पहिया अपनी जगह घूमता रहे तो वो रोटेट करेगा, पर फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। और जितने भी व्हीकल्स हैं इनके पहिए आगे भी बढ़ते हैं, ये रोटेट भी कर रहे होते हैं और आगे भी बढ़ रहे होते हैं, इनमें रोलिंग होती है। रोलिंग और रोटेशन में फर्क है, रोटेशन में एक्सिस फिक्स्ड है, वही वही बॉडी घूमे तो रोटेशन, और घूमते घूमते आगे भी बढ़ जाए तो उसको रोलिंग कहते हैं। घूमते घूमते आगे भी बढ़ जाए तो वो रोलिंग है, और वही वही घूमती रहे तो ये रोटेशन है। तो कह रहे रोलिंग जो है वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है। हाँ ये भी हमारे लिए काम की बात है, इसमें भी हम 4 स्टार दे देते हैं। रोलिंग जो है वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है, अगर इसमें कोई मैथमेटिक्स आ रही होती, कोई फॉर्मूला आ रहा होता तो हम जरूर इस पर 5 स्टार दे देते हैं। और अगली लाइन में ऐसे ही लिख दीजिए कि ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज सेम एज ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज सेम एज मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज सेम एज मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ट्रांसलेशनल की तो ये चिंता छोड़ दे, ये सीधे सेंटर ऑफ मास में एक वेलोसिटी दिखा दे, पूरी बॉडी ट्रांसलेट कैसे कर रही है ये आपको विजुलाइज करना हो तो बस ये मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास में एक वेलोसिटी है VCM, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी। वही से फिगर 7.37 में वो दिखा रहा है कि द रोलिंग मोशन, रोलिंग यानी विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग से हमेशा हमारा मतलब रहेगा, वो बोले या ना बोले, हमारा रोलिंग से हमेशा ही मतलब रहेगा प्योर रोलिंग, यानी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। आज के बाद हम दोबारा ये बोलेंगे नहीं कि हम विदाउट स्लिपिंग की बात कर रहे हैं। द रोलिंग मोशन ऑफ अ डिस्क ऑन अ लेवल सर्फेस, लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल, Note at any instant the point of contact P of the disc with the surface is at rest. जो भी P naught है वो rest पर है. The center of mass of the disc moves with velocity VCM. The disc moves with angular velocity omega about its axis, which passes through C. और VCM की value r omega होती है. फिर r is the radius of the disc. जो भी body है ये, कि पहले तो आपको यही बता रहा है कि अगर pure rolling है, अगर pure rolling है तो ये तो हो गया ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और बस अब हम ये माने कि सेंटर ऑफ मास का एक VCM है और पूरी बॉडी इसी के अबाउट यहाँ ओमेगा से घूम रही है। किताब ने ओमेगा यहाँ बनाया है, मैं ओमेगा यहाँ बनाना पसंद करूंगा। दो मोशन है बॉडी में, एक ट्रांसलेटरी मोशन और एक रोटेशनल मोशन। दो मोशन है रोलिंग मोशन में, रोलिंग मोशन में एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है सेंटर ऑफ मास का और एक रोटेशनल मोशन होता है। ओमेगा से हम एंगुलर मोशन दिखा रहे हैं और VCM से हम ट्रांसलेटरी मोशन दिखा रहे हैं। कहता है आगे के पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, लेट VCM बी द वेलोसिटी द सेंटर ऑफ मास एंड देयरफॉर द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। ठीक है, दोबारा लिख दीजिए VCM is the translational velocity. VCM is the translational velocity of the object in pure rolling. The VCM जो आपने दिखाई है ये translational velocity होती है of the object in pure rolling. Pure rolling में जो object है उसके center of mass की जो velocity है वही पूरी की पूरी body की translational velocity है। This is the center of mass of the disc. Rolling disc is at geometric center. तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास तो ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होगा। VCM इज द वेलोसिटी ऑफ C, सेंटर की वेलोसिटी VCM इज पैरेलल टू द लेवल सरफेस। लिख दीजिए VCM इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। VCM इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, पॉइंट काम का नहीं है। VCM इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब वो रोटेशनल मोशन को समझा रहा है, कह रहा रोटेशनल मोशन द डिस्क इज अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस which passes through C. Thus, the velocity of any point of the disc, किसी और point की बात हम बाद में करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि आप rolling motion को मान सकते हो कि object में C, center of mass में एक velocity है और center of mass के about object में omega भी।
ये दो मिलकर प्योर रोलिंग मोशन बनाते हैं। रोलिंग में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन तो है ही, ट्रांसलेशन होगा VCM के कारण और ओमेगा होगा, रोटेशनल मोशन होगा ओमेगा के कारण। तो वही उसने समझाया है, आप फिर से लिख दीजिए। चलिए कि रोटेशनल मोशन इज अबाउट द सिमेट्री एक्सिस। रोटेशनल मोशन इज अबाउट द सिमेट्री एक्सिस विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, विच पासिस थ्रू कॉम या ज्योमेट्रिकल सेंटर। फिलहाल ज्योमेट्रिकल सेंटर हम लोग तो रेगुलर स्टेट बॉडीज की ही बात करेंगे जहां कॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाए करेंगे। तो ये बातें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन पे स्टार लगाई गई है वही बातें केवल काम की है। भाई वो कह रहा है सेंटर ऑफ मास में VCM है, वो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए जिम्मेदार है और सेंटर के अबाउट पूरी बॉडी ओमेगा से घूम रही है, ये बॉडी में रोटेशनल मोशन हो गया। अब कहता है द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द डिस्क, ये सब पॉइंट्स P1 P2 P3 वगैरह हैं, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी और एक लीनियर वेलोसिटी होगी ऑन अकाउंट ऑफ रोटेशन। इसको मैं अलग से भी लिखवाऊंगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज आर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ डिस्क अबाउट द एक्सिस एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। द वेलोसिटी इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर ऑफ द गिवन। द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट P2 and its components are shown. It is easy to show that this is perpendicular to the line P0, P2. Therefore, the line passing through P0 in parallel to omega is called the instantaneous axis of rotation. तो मैं पहले तो आपको यही heading दे देता हूँ, अभी भी मैं कोई खास important बातें नहीं कर रहा हूँ। आप heading ये दे दीजिए, instantaneous axis ऑफ रोटेशन। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ा दे, इसे हम ना ही पढ़ते तो ज्यादा अच्छा होता। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, मे बी P0, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रही है, इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्योंकि एक्सेस ऑफ रोटेशन तो कायदे से फिक्स्ड होना चाहिए ना, एक्सेस ऑफ रोटेशन तो चलना नहीं चाहिए ना। एक्सेस ऑफ रोटेशन की अगर बात कर रहे हैं तो इसको कायदे से एक्सेस नहीं कह सकते। हालांकि ये पढ़ाने से कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा ही, पर मुझे शायद बताना पड़ेगा। ऐसे ही लिख दीजिए कि लाइन अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू, देखता हूँ NCERT ने क्या लिखा है, वही एकदम पैराग्राफ के एंड में, देयरफॉर द लाइन पासिंग थ्रू PO and parallel to omega, बस आप तो इतना ही लिख दीजिए कि line passing through the point of contact is called instantaneous axis of rotation. The line passing through the point of contact is called the instantaneous axis of rotation. Because velocity of all points on this axis, on this line is zero. Velocity of all points on this line is zero. ये instantaneous axis of rotation कहा जा सकता है। Rotation मतलब axis fixed होना चाहिए। ये वाला अगर यहाँ से axis गुजर रहा है तो वो तो fixed नहीं है, वो तो चल रहा है। अगर rotation define करना है तो कायदे से rotation तो इस point के about है। ये खैर कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, इसे हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इस पे आप क्रॉस लगा दें, NCERT ने दिया है तो हमने पढ़ाया, पर इसको आप ज्यादा ध्यान ना दें। अब बीच में जो बातें आई हैं वो मैं आपको लिखवा रहा, उसको भी हम लिख देते हैं, हेडिंग दे दीजिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ जनरल कर्व। Of course, in pure rolling में मैं किसी general point की बात कर रहा हूं, ये जैसे जो उसने point मान लीजिए P2 दिखाया है, ये general point।
अब कह रहा है इसमें दो वेलोसिटी होंगी। एक्चुअली कहानी क्या होती है ना, ये ना अगर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है तो इसका ये रेडियस है और इस रेडियस के अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका सर्कुलर मोशन एक्चुअली इस समय ऐसा है। प्योर रोलिंग मोशन को पूरा इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो ये चैप्टर आपको टफ लगेगा। आप इसे विजुअलाइज ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, इमेजिन ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। जब सवाल वगैरह बनने लगे तो शायद डिटेल में सोचा जा सकता है, हालांकि उसका कभी कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस पार्टिकल में दो वेलोसिटी है, एक तो जो तुम्हारी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो हर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। एक तो वेलोसिटी ये है ट्रांसलेटरी वेलोसिटी, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशन हो रहा है, और एक आर ओमेगा वाली वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, और उन्हीं का जो रिजल्टेंट है वो इसकी टोटल वेलोसिटी, हम इसी को रिजल्टेंट कह रहे हैं। तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात, पर एक लाइन लिख दीजिए फिगर 7.37 के नीचे पैराग्राफ में, उसने यही लिखा है कि लेट ईसीएम बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। हो गया था दस द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट मतलब एनी जनरल पॉइंट, दस द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द डिस्क कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो ऐसा ही लिख दीजिए इसमें, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट ऑन द डिस्क, वेलोसिटी ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन द डिस्क कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वेलोसिटी ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन द डिस्क नहीं ऑन द बॉडी, जो भी बॉडी रोल कर रही है, ये स्फीयर भी हो सकता है। वेलोसिटी ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन द बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नंबर वन ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCM, नंबर वन ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCM, और नंबर टू है किसका, आर ओमेगा, इसमें एंगुलर मोशन है तो उसका एक आर ओमेगा तो आ गई, नंबर टू लिख दीजिए। ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें कट कर सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा ऑन अकाउंट ऑफ रोटेशन। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ ओमेगा क्या है और आर क्या है वो मैं बहुत ज्यादा समझाने में इंटरेस्ट नहीं। हाँ बोलिए सर, आपने क्या कहते हैं दो पॉइंट्स से पहले हेडिंग में क्या लिखवाया, वेलोसिटी ऑफ एन एनी जनरल, ये लिखा है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ जनरल पॉइंट इन प्योर रोलिंग। ओके सर, एक पॉइंट है ये, इसमें दो वेलोसिटी है, एक है वी जो कि मीटर पर सेकंड में है, और एक है आर ओमेगा वो भी मीटर पर सेकंड में ही है। ये कहीं इसका आर ओमेगा आ रहा है जिसे मैं बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं चाह रहा, ये इसका आर ओमेगा आ रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ आ रहा है। आर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी ना? नहीं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, उसकी आर ओमेगा लीनियर वेलोसिटी होती है, ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है। अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तभी आप इन दोनों का रिजल्टेंट एडिशन कर सकते हैं। एक मीटर पर सेकंड में हो और एक रेडियन पर सेकंड में हो, उन दोनों चीजों को आप ऐड नहीं कर सकते। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड में है और आर ओमेगा होता है वी, वो मीटर पर सेकंड में है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट मैं निकालना चाहता हूं। किसी जनरल पॉइंट की वेलोसिटी में दो चीजें होंगी, एक होगा ट्रांसलेशनल कंपोनेंट और एक होगा रोटेशनल कंपोनेंट। रोटेशन की वजह से भी लीनियर वेलोसिटी लेंगे। खैर ये सारी की सारी बातें अगर इग्नोर कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। फाइनल कंक्लूजन सुनाते हैं। यहां तो मैंने आपको आर ओमेगा में आर क्या है ये भी नहीं पढ़ाया। एनसीईआरटी ने तो लिखा है कि आर सी से डिस्टेंस है, पर मुझे इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैं छोड़ ही दूं तो अच्छा है। वेलोसिटी वी इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सी। द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी टू एंड इट्स कंपोनेंट आर शोन, इट इज इजी, फाइनल बात कर रहा है, फाइनल बात देखिए, इट इज इजी टू शो दैट वी टू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी ओ पी टू, देयरफॉर द लाइन पासिंग थ्रू पी नॉट। बस मैं असली बात आपसे कर रहा हूं। अब लिखिए कंक्लूजन, आप लिखिए कंक्लूजन और बस आप साफ ऊपर की बातों के साइड में लिख दीजिए नॉट इम्पॉर्टेंट। वो जो वेलोसिटी है वो दो चीजों से मिलके बनी है, एक VCM से और एक आर ओमेगा से। वो बातें अगर आप इग्नोर कर दें तो ज्यादा अच्छा है, आपके लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। मेरे को इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है,
पार्टिकल की, पार्टिकल टू की वेलोसिटी वी टू निकालनी है, बस वो फाइनल फैसला ध्यान से सुन लीजिए। वो काम की बात है कि अगर इस डिस्टेंस को मैं आर कहूँ तो जो वी टू होगी वो होगी आर बाई पी नॉट पी टू, पी नॉट पी टू इंटू बाई, बस ये आपके काम का। हाँ ये पॉइंट काम का है, इस पे हम बिल्कुल 5 स्टार दे सकते हैं। ये है तो इन दोनों का रिजल्टेंट, पर आप भूल ही जाएं क्योंकि आप अलग से कभी ये नहीं तो नहीं निकालेंगे और अलग से ये तो नहीं निकालेंगे, ये आर तो बड़ा ही वेरिएबल है। हम तो जो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, जैसे पीओ कहा जा रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जैसे पीओ कहा जा रहा है, उससे इस पॉइंट पी टू का डिस्टेंस निकालते हैं और बस। अब सच्चाई तो ये है, एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि ये जो पॉइंट है ना वो इसको सेंटर मान के इसके अभाव सर्कुलर मोशन कर रहा है, सच्चाई तो ये है। तो इसका तो फिर आर ओमेगा, आर यही होना चाहिए, और ओमेगा तो पूरे चैप्टर में रोटेशनल जो पूरी बॉडी का ओमेगा होता है वही हर पार्टिकल का भी ओमेगा होता है, ओमेगा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लीजिएगा, लिख दीजिए स्टेप्स, लिखिए लिखिए फिर से हेडिंग दे दीजिए, लिखिए स्टेप्स टू फाइंड, स्टेप्स टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्टेप्स टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ जनरल पॉइंट ऑफ जनरल पॉइंट ऑफ अ बॉडी इन प्योर रोलिंग, स्टेप्स टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ जनरल पॉइंट ऑफ अ बॉडी इन प्योर रोलिंग। ये मैं जब ये कंक्लूजन दे रहा हूँ तो इसके पहले की जो बातें हैं वो सब बेकार हैं, एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ रहा हूँ और बता रहा हूँ कौन बेकार है कौन नहीं है, इसलिए मैंने ये पढ़ा, नहीं तो मैं पूरा छोड़ देता और ये आपको पूरा छोड़ ही देना चाहिए। हाँ आप जो हम कंक्लूजन लिख रहे हैं वो जरूर काफी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर वन लिख दीजिए, ये जो आपने हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए ऑफकोर्स, हाँ ये 5 स्टार वाला है, बस यही लिखिए नंबर वन, स्टेप नंबर वन, ज्वाइन दिस पॉइंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ज्वाइन दिस पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए बस थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट को जिस पॉइंट की आपको वेलोसिटी चाहिए उसे जोड़ दीजिए थ्रू अ स्ट्रेट लाइन बस। नंबर टू, अप्लाई सम ज्योमेट्री, कुछ ज्योमेट्री अप्लाई करिए एंड फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन, वो ज्योमेट्री अप्लाई करिए और इस लाइन की लेंथ डिटरमिन कर लीजिए, ज्योमेट्री लगाएं या कहीं ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, मे बी कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, जो भी कॉन्सेप्ट लगाएं, आपको बस इस लाइन की लेंथ निकालनी है एंड इट इज इक्वल टू आर, इसको आर कह दीजिए, चलिए कैपिटल आर कह देते हैं, ये कैपिटल आर है बस। और नेक्स्ट है, आर एक बार आपने निकाल लिया फिर तो कोई प्रॉब्लम बची नहीं, अगला पॉइंट है कि ओमेगा ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी, ओमेगा ऑफ ईच पॉइंट ईच पार्टिकल, ओमेगा ऑफ ईच पॉइंट इज इक्वल टू ओमेगा गिवन, सबके ओमेगा सेम होते हैं, सबका ओमेगा सेम होता है, रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन में ओमेगा तो सेम ही होता है, ओमेगा तो सबका सेम ही होता है, इसलिए जो भी कहीं किसी भी ओमेगा की बात की गई है बस वही आपके पार्टिकल का भी ओमेगा है। अब सच्चाई तो यह है कि इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए ये पार्टिकल यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है, वो अगर अपन ने विजुलाइज करने की कोशिश की तो ये चैप्टर बहुत टफ हो जाएगा, वो लाइन में लिखवा भी नहीं रहा। और फाइनल फैसला है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट पार्टिकल इज इक्वल टू कैपिटल आर ओमेगा, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है कैपिटल आर ओमेगा, और ये मार्केटिंग भी है, जरूर है, टेंजेंशियल है और ये रेडियस, ये लाइन अगर रेडियस है तो वेलोसिटी तो सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग होती है ना। तो लास्ट लाइन में ये लिख दीजिए अगले स्टेप में, भाई जो वी है वो है आर ओमेगा, आर है बस ये दोनों जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओमेगा तो सबका जिसका भी दिख जाए सारे ओमेगा सेम है, और फाइनल फैसला है कि डायरेक्शन इज एट राइट एंगल्स टू द लाइन, डायरेक्शन इज एट राइट एंगल्स टू द लाइन ड्रॉन इन स्टेप वन। स्टेप वन में आपने जो लाइन बनाई है
वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस लाइन के राइट एंगल पर। असल में यहाँ एक सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन बना दे तो डायग्राम बड़ा गंदा दिखने लगेगा आपको। यहाँ एक सर्कुलर मोशन है, ये उसका रेडियस है और ये उसका टेंजेंट है। एक्चुअली सब पार्टिकल इस एक्चुअली वास्तव में तो सही है कि इसके अबाउट ही वो फिक्स तो यही है। तो हर पार्टिकल एक्चुअली इस सर्किल में चल रहा है, पर ये इमेजिन करेंगे तो चैप्टर बहुत ही टफ हो जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिलहाल तो आप रटे भाई, अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलोंग ही है ना, बात खत्म हो गई। हमें तो यही सीखना है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर है, और वहां से गुजरने वाली लाइन को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जा सकता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी लाइन उस इंस्टेंट पे रेस्ट पे है। और वेलोसिटी निकालनी है, बल्कि तो ये सब मैंने ऊपर जो अभी भी थ्योरी बोली ये भी किसी ज्यादा काम की नहीं है। काम की बातें सिर्फ मैथमेटिकल हैं, और मैथमेटिकल वेलोसिटी तो काम की तो मैंने बात अभी तक शायद सिर्फ यही पढ़ी है कि v इज टू r। प्योर रोलिंग में एक काम की बात ये पढ़ी है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। जब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है तब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, और अगर आपको किसी और पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, अगर किसी और पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए तो आप उसका ये देखिए, ये है r, इसकी वेलोसिटी है r ओमेगा। अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2r * ओमेगा। अब ये r है और ये भी r है, ये डिस्टेंस r / 2 है, इसकी बात करूं तो r / 2 ओमेगा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि इसका r 0 है, डिस्टेंस यहीं से तो नाप रहा है। इसी तरह इसकी भी बात करें, इसकी भी बात करें तो ये भी r है और ये भी r है, तो ये r / 2 हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी r / 2 ओमेगा। इस टाइप की कुछ बातें, हाँ ये आपको यही सीखना है बस, ये इम्पोर्टेंट। इसका मतलब यदि इसकी वेलोसिटी जीरो है और इसकी वेलोसिटी बी है तो इसकी वेलोसिटी टू बी, ये टू आर इंटू ओमेगा है ना, आर ओमेगा को आप बी कह रहे हैं, आप आर ओमेगा को बी कह रहे हैं, वी सी एम, इसको वी सी एम लिख लीजिए, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी होती है टू वी सी एम। ये पॉइंट शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि प्योर रोलिंग में जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी क्या है। उसमें असल में ट्रांसलेटरी मोशन भी है और वी एक आर ओमेगा के कारण भी है, दो वी हैं, एक तो वी सी एम है ही है, हर पार्टिकल पे वी सी एम से हर पार्टिकल आगे जा ही रहा है। प्योर ट्रांसलेशन में तो पढ़ा था कि सभी की वेलोसिटी सेम होती है, और एक एंगुलर मोशन के कारण आर ओमेगा है इसमें जो कि वी सी एम के बराबर ही है, इसकी टोटल वेलोसिटी हो जाती है 2 वी सी एम। नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लिखा है तो इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। खाली टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पेपरों में ज्यादा आती, बॉटम की वेलोसिटी 0, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी सी एम, और टॉप मोस्ट पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी स्पेस में 2 वी सी एम। हमने केवल अभी तक प्योर रोलिंग मोशन में यही बात काम की पड़ी है कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए हो तो उसको तुम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जोड़ दो या डिस्टेंस किसी तरह निकाल लो। अगर ये आर है और ये आर है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आर रूट टू है और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, आर रूट टू इंटू ओमेगा, जहां आर ओमेगा को आप वी सी एम लिख सकते हैं, आर ओमेगा को वी सी एम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वी सी एम इंटू रूट टू, और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वी सी एम इंटू रूट टू। ये वाले केसेस बाद में देखिएगा, बस फिलहाल तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। यहाँ से डिस्टेंस नापना है, जो भी डिस्टेंस आ रहा है उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी ये लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल दीजिए। हर पार्टिकल में एक एंगुलर मोशन भी है और हर पार्टिकल में एक ट्रांसलेशनल मोशन भी है। एंगुलर मोशन का और ट्रांसलेटरी मोशन का जो रिजल्टेंट है वो आर ओमेगा से आ रहा है, पर अब आर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से नापेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है। कहता है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, द लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन इज डायरेक्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, एक्चुअली फिर से हेडिंग दे देते हैं, फिर से हेडिंग दे देते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन रोलिंग मोशन, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन रोलिंग मोशन।
मैंने इसे प्योर रोलिंग नहीं कहा है, ब्रैकेट में लिख दीजिए चलिए नॉट प्योर रोलिंग, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नॉट प्योर रोलिंग जनरल केस। तो यदि इसकी वेलोसिटी VCM है तो प्योर ट्रांसमिशन में तो सबकी वेलोसिटी VCM होती ही है, और यदि ये ओमेगा से घूम रहा है और ये डिस्टेंस आर है और ऐसे घूम रहा है तो आर ओमेगा यहाँ आएगा, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो VCM माइनस आर ओमेगा आ रहा है। अभी कह रहा है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इसमें ट्रांसलेशन अगर यहाँ हो रहा है तो इसका आर ओमेगा एग्जैक्टली ऑपोजिट आ रहा है। ये लाइन इसने बोली है, ये पहली लाइन कह रहा है कि एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन यानी आर ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और आर ओमेगा लीनियर वेलोसिटी है, द लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन इज डायरेक्टली एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ट्रांसलेशन वेलोसिटी VCM। फर्दर द मैग्नीट्यूड ऑफ VC हियर इज आर ओमेगा, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको, फिलहाल तो ये हो गई ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये आप लिख सकते हैं कि VCM एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट VCM इज डायरेक्टेड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू आर ओमेगा। ये लाइन भी पे, इस पे भी मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इस पे भी मैं कोई स्टार नहीं लगवा रहा हूँ, एनसीईआरटी की एक लाइन आपके सामने खुल जाए बस इसलिए मैं इसको पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, काम की बातें तो निकल चुकी हैं। डायग्राम अगर हम बनाते तो हाँ, ट्रांसलेटरी मोशन का तो मतलब ही होता है कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी VCM मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट में सेम और इस पॉइंट का आर ओमेगा यहाँ आएगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। और आगे लिख दीजिए फॉर प्योर रोलिंग, प्योर को हाईलाइट कर दीजिए, अगर प्योर रोलिंग की बात करें तो ये टोटल जीरो होना चाहिए, अगर प्योर रोलिंग की बात करें तो ये जीरो होना चाहिए, तो VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, अब ये इस बॉडी का आर है, इस बॉडी का आर है, ये जनरल वाला आर नहीं है, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, दस दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, अलग से लिखवा देंगे अलग से। फिर से हेडिंग दे दीजिए, फिर से हेडिंग दे दीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए बोल रहे हैं ना? हाँ ये सर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए बोल रहा है। फिर से हेडिंग दे दीजिए कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, जो वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मैं पीसी लिख देता हूँ, वो VCM माइनस रेडियस ऑफ बॉडी लिख देता हूँ, डिस्क लिख देता हूँ, अगर आप डिस्क की बात करें तो ओमेगा, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस इनटू ओमेगा, बस ऐसे ही है, ये शायद ये ज्यादा काम कर रहा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो है, और वो बता रहा है कि क्यों जीरो है, क्योंकि कह रहा है जो आर ओमेगा आ रहा है ना, अच्छा आर दो आर है, एक तो रेडियस का डिस्क है, एक तो डिस्क है जो भी बॉडी कर रही है रोटेट उसका जो रेडियस है, और एक अगर आप इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं तो इसका आर होता है, इसका तो डिस्टेंस यहाँ से आर है ही, तो वो भी कह रहे ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो हम तो इस पॉइंट पे शुरू से मान के चली रहे हैं कि भाई प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो है, और वो बता रहा है कि उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो क्यों है, क्योंकि अगर बॉडी वेट ट्रांसलेशन यहाँ हो रहा है तो सब में VCM यहाँ है, और अगर रोटेशन ऐसा हो रहा है तो इसका आर ओमेगा इधर आएगा, जरूर इसकी वेलोसिटी जीरो तभी आएगी जब VCM और आर ओमेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये पॉइंट ज्यादा काम नहीं आएगा हमारे, हमें तो इस रिजल्ट को याद रखना है कि भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो। अब कैसे जीरो वो समझा, हमारे पास हर पार्टिकल में दो वेलोसिटी होती है, एक ट्रांसलेशनल और एक एंगुलर का लीनियर, ओमेगा का आर ओमेगा, और अगर यह रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो होनी है तो जरूर इन दोनों को कैंसिल हो ही जाना चाहिए। बात करना अभी तक काम की बात शायद यही एक निकली है कि तुम्हें तो जिस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आर लेके उसका आर ओमेगा कर लो, कहता है फर्दर द मैग्नीट्यूड ऑफ हियर इज दिस मच वेयर आर इज रेडियस ऑफ दिस, द कंडीशंस एट PC इज इंस्टेंटेनियसली एड्रेस्ड रिक्वायर्स VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, दस फॉर द दिस द कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ही मैंने आपको लिखवा दिया, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो उसकी कंडीशन तो यही है, कायदे से तो ये कहना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी जीरो, और आप ये भी कह सकते हैं कि VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। कहता है इंसिडेंटली दिस मींस दैट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट
P2 at the top of the disk, P1 at the top of the disk has a magnitude of VCM plus R omega. So, तो मैं 2 VCM आपको लिखवा चुका हूँ and is directed parallel to the level surface. इससे आप दोबारा हेडिंग दे दीजिए. Condition velocity. A question लिख दीजिए. What is the velocity of the topmost point? What is the velocity of the topmost point of a body in pure rolling? अगर बेसिक से जाए तो अगर ये VCM है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ बॉडी इन प्योर रोलिंग? तो भाई प्योर VCM तो सब में होगी ही होगी, और अगर ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो इसका तो आर ओमेगा इधर आएगा. टॉप पॉइंट है तो V1 इसने बोला है, बट VCM प्लस आर ओमेगा, और आर ओमेगा को फिलहाल में अगर प्योर रोलिंग की बात कर रहा हूं तो आर ओमेगा भी VCM है. तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी 2 VCM रहेगी. ये मैं अलग से आपको पढ़ा ही चुका हूँ, दोबारा आ गया. इसको अब हम बेसिक से ना करके, इस मेथड से ना करके इसी मेथड को बढ़ावा देंगे कि भाई ये पूरा डिस्टेंस ले लो और डायरेक्टली ओमेगा से मल्टीप्लाई करो. इन जनरली इन दोनों का वेक्टर सम होता है. ये यहाँ पर अगर कोई मैं बात करता तो यहाँ VCM आता, यहाँ आर ओमेगा आता, इन दोनों का वेक्टर सम होता है इन जनरल. पर यहाँ तो ये आसानी से ऐड हो रहे हैं और यहाँ से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. हमें तो एक ही बात ध्यान करना चाहते हैं, ये सारे डिस्कशन खत्म करना चाहते हैं कि आपको जिस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए आप यहाँ से उसका डिस्टेंस नाप लीजिए और उसको आर ओमेगा कर दीजिए, बात खत्म. और ये जो लाइन आ रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस आर ओमेगा को मार्क कर दीजिएगा. अब इसके अलावा जो बातें एनसीईआरटी में दी गई हैं वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. कोई ऐसा पॉइंट इस बीच हमारा नहीं मिला जो कि पेपर में आने लायक है. बस तो अभी तक प्योर रोलिंग में हमने यही पढ़ा कि भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो होती है और उसके लिए VCM को आर ओमेगा के लिए बराबर होना चाहिए, और किसी भी जनरल पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से उसका आर निकाल के आर ओमेगा कर दीजिए, परपेंडिकुलर टू ये रेडियस वेक्टर ले लीजिएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2 VCM होती है. तो प्योर रोलिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. खूब सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं और पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को इसका डर कभी जाता ही नहीं है प्योर रोलिंग का. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्रॉब्लम नहीं आती, पैरेलल एक्सेस में प्रॉब्लम नहीं आती, परपेंडिकुलर एक्सेस में प्रॉब्लम नहीं आती, प्योर रोलिंग को अवॉइड करते रहते हैं. आई डोंट नो व्हाई प्योर रोलिंग को स्टूडेंट्स अवॉइड करते रहते हैं. तो आपको तो अगर कुछ करना है तो सीधे कहना चाहिए कि हम सिर्फ प्योर रोलिंग से ही शुरुआत करेंगे इस चैप्टर. आपने देखा कि अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसको कोई ज्यादा कोई लेना देना तो है नहीं पुरानी बातों से, सीधे प्योर रोलिंग से ही अटेम्प्ट करिए, प्योर रोलिंग के ही क्वेश्चन स्टार्ट छाट के ढूंढ ढूंढ के करिए, टॉपिक वाइज, प्रैक्टिस वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज. तो आपके पास बुक्स हैं ही पीवाई क्यू के, उनके आप प्योर रोलिंग के ही केवल क्वेश्चंस करिए, बड़े आराम से करें. और अब एक्चुअली फॉर्मूले अब आने वाले हैं 7.14.1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. मैंने प्योर ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी हाफ एम वी स्क्वायर, प्योर रोटेशन में पढ़ी थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब मैं रोलिंग मोशन में देखने वाला हूँ कि वो क्या फॉर्मूला मुझे देता. कहता है अवर नेक्स्ट टास्क विल बी टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी कैन बी सेपरेटेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ अ जनरल रिजल्ट फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स. तो वही क्या, वो तो आई क्या, बस वी अज्यूम दैट दिस जनरल रिजल्ट एंड अप्लाइड टू केस ऑफ ऑल द केसेस ऑफ रोलिंग मोशन इन अवर नोटेशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास that is kinetic energy of translation of the rolling body is half mv square, where m is the mass of the body and VCM is the total mass velocity. Since the motion of the rolling body about the center of mass is rotation, so k dash represents the kinetic energy of rotation, k half I omega square ho gaya. Bas to main to aapko theek hai, aap heading de dijiye various kinetic energies. हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे चैप्टर की जान तो यही हो गया. लिख दीजिए, एक तो लिख दीजिए, 5 स्टार भी लगा दीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख दीजिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 मैं पढ़ा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी प्योर ट्रांसलेशन. प्योर ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और फिलहाल हाफ एम वी सी एम लिखते हैं. तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वही हर पार्टिकल की वेलोसिटी होती है अगर वो बॉडी प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है. तो
आपका प्रॉब्लम काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन में लिख देता हूँ और फिक्स एक्सिस भी लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी आर ओ टी पूरा लिख देता हूँ, हाफ आई माइनस जब आई है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी आपको लेना है, आई किसके अबाउट लेना है जरा वो ध्यान दें, आई के बारे में इन्होंने यहाँ कुछ ज्यादा लिखा तो है नहीं, ठीक है। और अब असली चीज आ रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आ रही है के और मैं क्या कॉन्सेप्ट वही लिख देता हूँ, रोलिंग, रोलिंग का मतलब ये प्योर रोलिंग, तो ये काइनेटिक ट्रांसमिशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, ये है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। तो सभी ये भी पांच स्टार है, ये भी पांच स्टार है और ये तो और भी ज्यादा स्टार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो प्योर रोलिंग है, प्योर रोटेशन इन ए फिक्स्ड एक्सिस और रोलिंग इन ए बॉडी आगे भी बढ़ रही है, पहिया घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, एक ही जगह ट्रक खड़ा नहीं हो गया है, रेत में जब पहिया फंस जाता है, कीचड़ में जब ट्रक का पहिया फंस जाता है तो वह प्योर रोटेशन करता है शायद कर थोड़ा थोड़ा, वहीं वहीं पहिया घूमता है, पर अगर अदरवाइज सड़क बढ़िया है, हार्ड सड़क है और उसको जमीन से प्रॉपर फ्रिक्शन मिल रहा है तो वह रोलिंग मोशन करता है। अगर उसके जमीन पे स्किड मार्क्स नहीं पड़ रहे हैं, अगर जमीन पे उसके स्किड मार्क्स नहीं पड़ रहे हैं तो वो कायदे से प्योर रोलिंग है, स्किड मार्क्स नहीं पड़ रहे हैं तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो घिसट ही नहीं रहा है। एनीवे इसको हम आगे रीअरेंज करते हैं, इसी को और आगे भी लिख सकते हैं, यहीं पर हाफ मैं आई को लिख देता हूँ एम के स्क्वायर और ओमेगा को लिख देता हूँ, वी होता है आर ओमेगा, ओमेगा को लिख देता हूँ वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, मैं एम इस एम को सर स्मॉल लिख देता हूँ, मैं इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ हो गया वन वन प्लस ए स्क्वायर, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, और असली फॉर्मूला सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये हो गया, प्योर रोलिंग में अगर कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग में है तो ये वी यानी हमेशा वी सी एम। इस पॉइंट के अबाउट जो हमने थोड़ी बहुत बातें की उन्हें आप भुला ही दीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, सब कुछ हमारा इस पॉइंट के अबाउट ही होता है, इसे भुला ही दीजिए, सब कुछ इस पॉइंट के अबाउट ही होता है, ये हो गया। न्यूमेरिकल्स में आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वेरियस बॉडीज से निकाल ही लेंगे, जैसे सॉलिड स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 है, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूँ तो बस एक ये वेलोसिटी कोई मुझे बता दे, मैं उसकी जो रोलिंग में अगर कोई बॉडी है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बता सकता हूँ, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आप उसकी ज्योमेट्री से निकाल लेना, आपको किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो पहला फॉर्मूला पता है आप उसको एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देना, देखते हैं वैसे हो गया पहले तो हाँ, इक्वेशन अप्लाइज टू एनी रोलिंग बॉडी और डिस्क सिलेंडर अ स्प्रिंग और स्फीयर, तो रोलिंग की एनर्जी जो है बस ये काइनेटिक एनर्जी पे ही सवाल है, काइनेटिक एनर्जी पे ही सवाल है। मैंने आज की क्लास में अभी थोड़ा बहुत बचा तो है डिस्कशन, पर आज की क्लास में मैंने मेनली आपको एक तो ये बात बताई कि जो प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसकी वेलोसिटी होती है सी, ऐसा ये जनरल कोई ये पॉइंट पॉइंट है तो इसकी वेलोसिटी होती है आर ओमेगा, बस ये आर आपको ध्यान से निकालना, इसकी वेलोसिटी होती है टू वी सी, इसकी वी सी बेसिकली कुछ बात, और मेरे ख्याल से तो उसके बाद अगर प्योर रोलिंग है, अगर प्योर रोलिंग है तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इनटू 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी है। आई थिंक आज की जो प्योर रोलिंग में बस यही मतलब मेन जो पॉइंट्स आपको बार बार रिपीट रिवाइज कर लेने से ये है, जब इनकी मास्टरी हो जाए तो आप भले इसकी थियोरी को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा बहुत बाद में 3-4 महीने बाद, जब कॉन्फिडेंस आ चुका हो और जब ओवर कॉन्फिडेंस आने की शुरुआत हो तो एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा, फिर लगेगा कि जीरो है आप, कुछ नहीं आता, और फिर भी पढ़नी तो चाहिए, पढ़नी तो पड़ेगी, असली आपके सारे सवाल इससे बनते रहेंगे, मोस्टली आपके सारे सवाल इतने से बनते रहेंगे,
बॉटम इस पॉइंट पे जीरो है ना, सर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। हाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो प्योर रोलिंग का तो कॉन्सेप्ट ही वही है, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं है तो प्योर रोलिंग नहीं होगा, फिर ये घिसट तो वह रोल कर रहा है या आया धीरे से रख दिया प्योर रोलिंग में। एक बार पहले पढ़ चुके हैं जब हमने बताया था कि फोटोकॉपियर में इंक नहीं फैलती ना, तो प्योर अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वेलोसिटी हुई, मैंने बताया था एक ट्रक अगर प्योर रोलिंग कर रहा है और थोड़ी सी सैंड पे चल रहा है, गीली मिट्टी पे चल रहा है, तो अगर उस पर लिखा है MRF तो एम छापेगा, आर छापेगा, एफ छापेगा और आगे निकलता जाएगा। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी हुई तो उसको घिसट देगा, वो तो मिटा देगा, जो ये लिखेगा वो आगे आने वाला मिटा देगा। यस सर, जब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है तब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, ऐसी रोलिंग को प्योर रोलिंग कहते हैं। यही सारी बातें हैं। अब एग्जाम्पल 7.16 देख रहा हूं मैं, तो तीन बॉडीज है, एक रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है एंड सॉलिड स्फीयर। एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको टोटल एनर्जी लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन लिख दीजिए, राइट द एक्सप्रेशंस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिंग, ऑफ अ नंबर वन रिंग, नंबर टू सॉलिड सिलेंडर, नंबर थ्री सॉलिड स्फीयर। Expression of total kinetic energy of a number one a ring, number two a solid cylinder, number three a solid sphere in pure rolling. तो formula तो मुझे पता है, अगर pure rolling की बात कर रहा है तो मुझे half mv square into 1 plus k square by r square करना है, but job is to find out k square by r square. पहले लिख दीजिए, first we should find out k square by r square. First, we should find out k square by r square of the given body. जिसकी की बात कर रहे हैं उसके k square by r square को find out करें। अच्छा important step है, काम का step। उसका तरीका क्या है? तुम जिस body की बात कर रहे हैं उसका जो तुम्हें पहला formula आता है उसको तुम m k square से equate करो। ऐसा लिखो, important है। इस पर भी आप बिल्कुल 5 star दे सकते हैं और लिखे। Equate the most basic formula of the body. Equate the most basic formula of the body. ब्रैकेट में और अबाउट द गिवन एक्सेस, जिस एक्सेस की वो बात कर रहा, या तो एक्सेस बता रहा नहीं बता रहा है तो फिर वो आई जेड है। इक्वेट द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ द बॉडी, ब्रैकेट में और अबाउट द गिवन एक्सेस, इक्वेट द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ एम आई, इक्वेट द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ एम आई ऑफ द गिवन बॉडी और अबाउट द गिवन एक्सेस टू एम के स्क्वायर। बस अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग में जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो एमआर स्क्वायर होता है, तो उसे एम के स्क्वायर से इक्वेट करता हूं, इससे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर रिंग आ गया 1। शायद याद करने की जरूरत नहीं। अगर मैं डिस्क की बात करूं तो डिस्क का जो मोस्ट बेसिक फॉर्मूला होता है वो हाफ एमआर स्क्वायर आता है, उसे आप एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर अ डिस्क, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर अ डिस्क इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से अगर सॉलिड सिलेंडर साफ साफ बोल रहा है सॉलिड सिलेंडर, तो मैं 2/5 एम आर स्क्वायर को एम के स्क्वायर से इक्वेट करता हूं और इसका के स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा 2/5। ये सॉलिड सिलेंडर, बस इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, हर बार आप इन्हें डिराइव करें नहीं तो चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। हाँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं, एनसीईआरटी ने प्योर रोलिंग को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है और हम भी अभी अपना डिस्कशन लिमिटेड ही रखेंगे, पर हर न्यूमेरिकल में हर फॉर्मूले में आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए प्योर रोलिंग में, टोटल एनर्जी चाहिए प्योर रोलिंग में, अगर मुझे डिस्क की चाहिए तो हो जाएगी हाफ एम वी सी एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1+1। अगर मुझे डिस्क की टोटल एनर्जी चाहिए तो हो जाएगी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इंटू 1+1/2। अगर मुझे सॉलिड सिलेंडर की चाहिए तो हो जाएगी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इंटू 1+2/5। नॉर्मली खाली यही पूछे जाने की आपसे संभावना है, असली न्यूमेरिकल तो यही है।
तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी जो हमने निकाली थी ना आर ओमेगा, उसके क्वेश्चन कम आते हैं। हाँ, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v होती है, 2bcm, एक वो काम था, काम की चीज थी, और उसके बाद टोटल एनर्जी के ही सवाल ज्यादा आते हैं, टोटल एनर्जी के ही सवाल ज्यादा आते हैं। तो ये आपको घटना कुछ नहीं है, निकालते आना चाहिए। फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर इनटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये सॉरी रिंग है, पहला केस रिंग का है, रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मैंने 1 डाल दिया, डिस्क का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 बाय 2 डाल दिया, और सॉलिड सिलेंडर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मैंने 2 बाय 5 डाल दिया। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से जो इकलौता फॉर्मूला काम का है फिलहाल, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हमने पढ़ाई है वो हाफ एम वी स्क्वायर इनटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नहीं पढ़ाई है, उसी पे न्यूमेरिकल बनते हैं, केवल उसी पे न्यूमेरिकल बनते हैं। सर अच्छा, तो मैं अब एक काम और कर सकता हूँ, ठीक है, अलग से पहले पढ़ा देता हूँ, पहले अलग से पढ़ा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल 7.6 पे आऊंगा। एक काम करिए, एनर्जी से ही है, काइनेटिक एनर्जी, ये काम करता हूँ, वेरियस एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ हाफ एमवी स्क्वायर, वेरियस एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ हाफ एमवी स्क्वायर। नंबर वन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ये तो हाफ एमवी स्क्वायर इनटू वन ही होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की अगर बात करूं तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ये एम ए स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर होता है स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया हाफ एम बी स्क्वायर इनटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, आई को मैं एम के स्क्वायर लिख ही सकता हूं, तो वी होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा की जगह वी बाय आर लिख दिया मैंने, तो हाफ एम बी स्क्वायर इनटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हाँ अच्छा, काफी बढ़िया आपका सेशन है, ये भी 5 स्टार वाला सेशन ये भी है। और अगर आप रोलिंग की बात करें तो रोलिंग में तो हम लोग ये पढ़ ही चुके हैं, हाफ एम बी स्क्वायर इनटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ 1 पे ध्यान दीजिए, 1 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पर ध्यान दीजिए, और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पर ध्यान दीजिए, बाकी तो सब में हाफ एमबी स्क्वायर कॉमन है ही, और आपने हेडिंग में लिख रही है कि आप हाफ एमबी स्क्वायर के टर्म्स में बताना चाहते हैं। मैक्सिमम सवाल जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिलेंगे ना वो इन पे ही होंगे, सिर्फ इकलौता एक फॉर्मूला प्योर रोलिंग में हमने यही पढ़ा है, बाकी तो थियोरी थी, और ये बताया गया था कि भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है और वी सी एम की वैल्यू आर ओमेगा होती है, बाकी थियोरी थी। काम की चीज जो है वो पेपर में इकलौती यही है, इसलिए इससे ज्यादा आसान डिस्कशन कुछ भी नहीं। डेफिनेटली आपको प्योर रोलिंग के सवाल भी पहले कर देने चाहिए, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल आपसे बन रहे हैं पहले प्योर रोलिंग पे करिए, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे करिए, और उसके बाद जाके सेंटर ऑफ मास पे करिए, बाकी तो फिर छुटपुट सवाल है यहाँ पे, ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वाले, या टॉर्क इज़ इक्वल टू वाई अल्फा वाले, वो छुटपुट सवाल है। जो ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे वो सबसे ज्यादा रोलिंग के मिलेंगे, फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मिलेंगे, फिर आपको सेंटर ऑफ मास के मिलेंगे, इस ऑर्डर में मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ सवाल आप पी वाई को सामने रख के किस पे कितना सवाल आया है वो जरा गिन लीजिए, तो कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी कौन मोर इम्पोर्टेंट है। टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वाली बुक की सुंदरता ये है कि आप देखते ही समझ जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मोर इम्पोर्टेंट, किस क्वेश्चन में से खूब ज्यादा सवाल आए, सबसे ज्यादा सवाल किस में से आए हर चैप्टर में, वो आपको तुरंत नजर आ जाता है। एनीवे, अब मैं आपको कह रहा हूँ वेरियस रेशियोस, वो एनर्जी नंबर वन ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हाफ एमवी स्क्वायर इनटू 1 हो गया, और ये हाफ एमवी स्क्वायर इनटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो गया, ये 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नंबर टू, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये हो जाएगा हाफ एमवी स्क्वायर इनटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर,
और वैसे आगे सवाल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के अलग से वैल्यू पूरी पता तो रहती ही है। क्या अपॉन क्या मांगा है जरा उसको ध्यान से देखें। नॉर्मली या तो ट्रांसलेटरी अपॉन टोटल मांगेगा या रोटेटरी अपॉन टोटल मांगेगा या फिर वो के ई ट्रांसलेटरी अपॉन के ई रोटेटरी ऐसा कुछ मांग सकता है। तो ट्रांसलेटरी में आएगा हाफ एम बी स्क्वायर इंटू वन और रोटेटरी में आएगा हाफ एम बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ऐसा ही रहने दीजिए इसे वन अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसे सॉल्व ना करें हो गए। कभी कभी रेयरली वो उल्टा पूछ सकता है या इनमें से भी कोई उल्टा पूछ सकता है मैं इनको तो नहीं लिखा। कोई उल्टा पूछ लेगा तो आपको होश रहे कि हाँ उसने ट्रांसलेटरी अपॉन टोटल पूछा है कि टोटल अपॉन ट्रांसलेटरी पूछा है वो आपको होश रहे। ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सिर्फ इसके फॉर्मूले की लिस्ट बनाइए और शुरू हो जाइए बस सिर्फ लिस्ट बनाइए फॉर्मूले की और शुरू हो जाइए। इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं पढ़ा आपने सबके। अगर आपको केस पर बयास पर आते हैं तो फिर रोलिंग मोशन के सवाल मस्त बनेंगे आपसे जो हम लोगों को आए हैं। किसी गाइड से करोगे तो सब टॉपिक ही बर्बाद हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं चाहे नीट के चाहे एम्स के चाहे जेई मेन के उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने आप को एनसीईआरटी के डिस्कशन तक लिमिटेड रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीवाईक्यू तक के लेवल तक लिमिटेड रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी वरना रोटेशन सभी को बहुत गंदा चैप्टर लगता है। जी एडवांस के सवाल कर लोगे तो जितना कॉन्फिडेंस आया सब बर्बाद हो जाएगा। सारी मुसीबत ही वही है और दुर्भाग्य से सारे टॉपर्स कहते हैं भाई अच्छी वर्मा कर। मैं तो नहीं कहता करा चुका हूँ मैं सारे मेडिकल के बैचेस को भी करा चुका हूँ और फाइनली 2021 का पेपर देखने के बाद भी मैं तो मना ही करूंगा कि भाई जरूरत ही नहीं है बाकी आपकी इच्छा। डाउट पूछोगे तो आप डाउट कहीं से भी पूछ लो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मेडिकल के स्टूडेंट्स को अच्छी वर्मा की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिलहाल मुझे उसको भी जरूरत नहीं है। चलिए हम इसमें एक बात आपकी और कर रहे हैं और वो है मैं अलग से थ्योरी पढ़ा देता हूं। योर रोलिंग डाउन अ रफ इंक्लाइन रफ वाली बातें एनसीईआरटी ने की तो नहीं है मैं थोड़ी सी एक लाइन में एक्स्ट्रा बता देता हूं। अभी तक हमने लेवल सरफेस पर रोलिंग की बात की थी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोलिंग की बात की अब हम इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग की बात कर रहे हैं। और अगर आप प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अगर ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो यहाँ एक फोर्स काम करता है एमजी साइन थीटा और इस एमजी साइन थीटा के कारण बॉडी में होता है एक्सिलरेशन तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी जीरो नहीं रह पाएगी। तो ये हमारे को एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आप इतना पढ़ाया है तो लिख दीजिए कि ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है। लिख दीजिए द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैज एक्सिलरेशन एम जी साइन थीटा। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसमें एक्सिलरेशन होता है जी साइन थीटा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में एक्सिलरेशन होता है जी साइन थीटा एंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी जीरो। द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी जीरो।
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी जीरो हो ही नहीं सकती, और प्योर रोलिंग की तो शर्त यह है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे ना बॉडी रोलिंग करेगी नहीं, अगर परफेक्टली स्मूथ है ना तो बॉडी बस स्लाइड करती हुई नीचे आ जाएगी। असल में रोलिंग के लिए, रोटेशन के लिए उसे टॉर्क चाहिए, जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा इसको टॉर्क नहीं लगेगी। ऐसा भी लिख दीजिए, जबरदस्ती मैं डीप एडवांस बातें बता रहा हूँ, नहीं बतानी चाहिए, लिख दीजिए ना प्योर ऑन अ प्योर स्मूथ प्लेन बॉडी विल सिंपली स्लाइड डाउन विद नो रोटेशन। उसमें रोटेशन होगा ही नहीं, सिंपली स्लाइडिंग मोशन हो जाएगा, भले ही ये स्फीयर हो। सर में यहाँ फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन की टॉर्क इसमें रोटेशन इंड्यूस करती है। फ्रिक्शन अगर फोर्स होगा फ्रिक्शन अगर होगा तो हम लोग फ्रिक्शन की टॉर्क की वजह से रोटेशन इंड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन अगर होगा तो फ्रिक्शन की टॉर्क की वजह से रोटेशन इंड्यूस हो जाता है। तो उन बातों को खैर हम डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई अगर आप चाहते हैं कि प्योर रोलिंग मोशन हो, ऐसा फिर से लिख दीजिए, फॉर प्योर रोलिंग मोशन ऑन अ रफ, फॉर प्योर रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, फॉर प्योर रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन द प्लेन शुड बी सफिशियंटली रफ। अभी रफ होना चाहिए, द प्लेन शुड बी सफिशियंटली रफ। ये जो प्लेन होना चाहिए ये सफिशियंटली रफ होना चाहिए, बस उससे कारण को समझ में आ रहा है। आप लिख दीजिए, चलिए नाउ फ्रिक्शनल टॉर्क, नाउ फ्रिक्शनल टॉर्क विल इंड्यूस एंगुलर मोशन। फ्रिक्शनल टॉर्क एंगुलर मोशन पैदा करेगा, फ्रिक्शनल टॉर्क एंगुलर मोशन पैदा करेगा, एंड एट सम पॉइंट VCM इक्वल टू R ओमेगा, एट सम पॉइंट VCM इज इक्वल टू R ओमेगा विल बी सेटिस्फाइड। इसी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज इक्वल टू R ओमेगा विल बी सेटिस्फाइड। इतनी सारी बातें मैंने एक्स्ट्रा ही की है, जहां से हेडिंग दी है ना कि प्योर रोलिंग मोशन डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, उसमें मैंने जो एक्सप्लेनेशंस दी है वो मुझे नहीं देनी चाहिए थी। मैं एक्चुअली बस ये बताना चाहता हूँ, मेरे लिए बताना जरूरी भी था एक बार, तो आप उसे बाद में इग्नोर कर दीजिएगा। मेरे लिए बताना जरूरी था कि अगर बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करके रोल करके नीचे आ रही है तो वो कंडीशन अभी भी सेटिस्फाइड है कि जब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तब वो रेस्ट पर, जब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है अगर वो रेस्ट पे है, समाव हमने ये डेवलप कर लिया प्योर रोलिंग मोशन इंक्लाइंड प्लेन पे भी, उसके लिए वो स्मूथ है कि रफ है, कुछ एनसीईआरटी ने बोला ही नहीं है, तो कभी उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये हमारी गारंटी। इसके अलावा भी पर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, मैथमेटिकल रची है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब टेंडेंसी ऑफ मोशन है ही नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में स्लाइडिंग मोशन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन बिकम्स इनइफेक्टिव इवन ऑफ द प्लेन इज रफ। ये कोई एनर्जी नहीं खाएगा, ये मेन बात है। ऐसा लिख दीजिए, दो द प्लेन इज रफ, हालांकि प्लेन रफ तो है, बट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैज नो स्लाइडिंग वेलोसिटी, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैज नो स्लाइडिंग वेलोसिटी, सो फ्रिक्शन बिकम्स इनएफेक्टिव। फ्रिक्शन इनएफेक्टिव हो जाता है। शुरू में तो इफेक्टिव रहता है ये, पर एक बार जब बॉडी में प्योर रोलिंग मोशन आ जाता है, उसके बाद फ्रिक्शन इनएफेक्टिव हो जाता है। एक बार जब प्योर रोलिंग मोशन आ जाता है तो फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की कोई वेलोसिटी नहीं रह जाती, तो फ्रिक्शन इनएफेक्टिव हो जाता है। एंड असली बात यह है, बड़ा बड़ा लिख दीजिए, चार स्टार भी दे दीजिए, दस एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, बस।
यही मेन बात थी, इसी के लिए मुझे वो सब आपको बताना पड़ा कि हालांकि ये रफ प्लेन एनसीईआरटी ने अच्छी बात की, उसने बात ही नहीं। हम तो ये समझते हैं कि अब ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां से हमने बॉडी को रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट से, और ये मान के चल रहे हैं कि मोशन प्योर रोलिंग है, मान के चल रहे हैं कि मोशन प्योर रोलिंग है, राइट एज है। तो बस शायद आप यही कहेंगे ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है reaches bottom, जब ऑब्जेक्ट बॉटम तक पहुंचता है तीन लॉस मॉडल देंगे तो पोटेंशियली लॉस है वो तो एनजीएच है, एंड दिस इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर इनटू 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, वो कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी का फार्मूला वो पूछिए चाहता था ये, ये हम गारंटी याद कर सकते हैं, याद करना ही चाहिए हमें से। हमें एक तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, इस बात पे भी आप ध्यान दे रहे हैं, 4 स्टार हमने दे दिए। और फिर जो इसने यहाँ से यहाँ तक आने में टी यूज की है वो तो एम जी एच ही है, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसमें हाइट एच का है, जो पी लॉस्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट है वो एम जी एच है, और वो टोटल काइनेटिक एनर्जी गेन के बराबर है, और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी गेन बॉडी को प्योर रोलिंग करते हुए आई है, तो यहाँ पर उसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसका ये फॉर्मूला आपके सामने है। इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, ये वेलोसिटी है प्योर रोलिंग की, प्योर स्लाइड करते हुए जब कोई बॉडी आती है ना, ये रोलिंग वी रोलिंग इज इक्वल टू वी स्लाइडिंग अपॉन अंडरवुड 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि रूट टू जी एच तो स्लाइडिंग की वेलोसिटी होती है ना, अगर बॉडी स्लाइड करके आती है तो उसकी वेलोसिटी रूट टू जी एच होती है। तो ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, वी रोलिंग इज लेस देन वी स्लाइडिंग, फॉर्मूला ही रटना है बेसिकली, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला रटना है और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं, और ज्यादा इसकी थियोरी में इंटरेस्ट ना लें। हाँ, मुझे कहना तो चाहता हूँ कि वी आर इज लेस देन वी एस बिकॉज ऑफ गॉड ऑफ एनर्जी गोस टू प्रोवाइड रोटेशन के, रोलिंग करते हुए अगर बॉडी नीचे आ रही है, एक केस में बॉडी प्योर स्लाइड करते हुए नीचे आती है, एक केस में रोल करते हुए आ रही है, रोल करती हुई आ रही है तो उसका ओमेगा भी बढ़ रहा है ना, रोल करती हुई आ रही है तो उसका ओमेगा भी बढ़ रहा है, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ रही है, तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी पूरी नहीं है, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी लूज की है वो पूरी की पूरी ट्रांसलेट, जब प्योर स्लाइडिंग से बॉडी नीचे आती है, जब प्योर स्लाइडिंग से बॉडी नीचे आती है तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है वो पूरी की पूरी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, पर अब तो वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसलेशनल में तो गई नहीं है, तो टोटल एनर्जी जो है वो तो सेम है, पर उसमें से थोड़ी एनर्जी रोटेशनल में गई है और थोड़ी एनर्जी ट्रांसलेशनल में गई है, इसलिए स्लाइडिंग की वेलोसिटी अब थोड़ी सी कम पाई जाती है, रोलिंग की वेलोसिटी सॉरी कम पाई जाती है, अगर प्योर स्लाइडिंग होता तो वेलोसिटी ज्यादा होती। बस अब आपको वेरियस ऑब्जेक्ट्स के लिए इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अगर आपको याद है मैं बोल रहा हूं, अगर मैं रोलिंग की बात कर रहा हूं रिंग के केस में तो फॉर्मूला हो जाएगा रूट टू जीएच, ध्यान रखिएगा रूट पूरे में रूट टू जीएच अपॉन 1 प्लस 1, अगर रोलिंग की बात करूं डिस्क के लिए तो ये हो जाएगा रूट टू जीएच अपॉन 1 प्लस 1 बाय 2, अगर मैं रोलिंग की बात करूं सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड स्फीयर है कि सॉलिड सिलेंडर है जरा ध्यान रखना, हम लोग मैंने ऑलरेडी गलती कर चुका हूँ ऐसा लग रहा है, वो गलती मुझसे हो ही जाती है। हाँ सॉलिड स्फीयर बोला है, सॉलिड सिलेंडर में तो डिस्क जैसा ही आंसर आता, मैं ऑलरेडी आपको गलत पढ़ा चुका हूँ, सॉलिड सिलेंडर में तो डिस्क जैसा ही आंसर आता है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर में और डिस्क में तो कोई फर्क है ही नहीं, तो ये है रूट टू जी एच अपॉन 1 प्लस 2 बाय 5। तो फिर से वो वार्निंग लिख दीजिए आप कि चेक वेदर इट इज सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर, 5 स्टार वार्निंग दे दीजिए, पता नहीं क्यों पर वो गलती हो ही जाती है।
सॉलिड पढ़ने के बाद हम उसके बाद की चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमें जो ध्यान आता है हम वो करते हैं। हमें 2x5 ही ध्यान आता है, मैं लिख रहा हूँ सॉलिड सिलेंडर पर कर रहा हूँ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड सिलेंडर है कि सॉलिड स्फीयर है, उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी है, जरा ध्यान से देखिए। यही क्वेश्चन है बस, नीचे आने पे वेलोसिटी इंक्लाइंड प्लेन पे, तो क्वेश्चन अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आएगा। ये सारी बातें हो गई, एग्जांपल 7.6 देख लेता हूँ। थ्री बॉडीज हैं, ये सब रोल डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, है ना। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेडियाई आर आइडेंटिकल, विच ऑफ द बॉडी रीचेस द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जिसका इनर्शिया कम होगा, सॉल्व करके देख ही रहे हैं, आंसर आएगा उसको सॉल्व करने पर, रिंग आएगा सॉल्व करने पर। उसकी थियरी वो कह रहा है, आंसर पढ़ते हैं, कहता है अज्यूम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसने कहते हैं अज्यूम, ऐसे कैसे अज्यूम कर ले। एनीवे अगर पूरी नॉलेज ना हो तो अच्छा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वी अज्यूम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी, दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन एक्सेट्रा। फ्रिक्शन तो इनफेक्टिव हो ही जाता है, फिर से लिख दीजिए कहीं ऊपर लाइन, इन प्योर रोलिंग फ्रिक्शन बिकम्स इनफेक्टिव। एक बार प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाता है तो फ्रिक्शन इनइफेक्टिव हो जाता है। प्योर रोलिंग द फ्रिक्शन बिकम्स इनइफेक्टिव। द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी इन रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मस्ट देयरफॉर बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन्ड, सिंस द बॉडी इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बस इसको इक्वेट कर दिया, फॉर्मुला निकाल लिया, वैल्यूज डाल दिए और आंसर आपके पास आ गया। लास्ट पैराग्राफ कह रहा हूं, फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑब्टेंड इट इज क्लियर दैट among the three bodies the sphere has the greatest and the ring has the least velocity. ulta maine bola wo behtar hai ki solve karke hi aap decide kare, alag se likh dijiye, ye important hai, question mein yahi aayega, solve karne ke baad hi check kare. aisa likh dijiye, ring has minimum velocity and solid sphere has maximum velocity at the bottom of inclined plane. ring mein velocity sabse kam hogi aur solid sphere mein velocity sabse zyada hogi, wo aapko pura solve karke dekhna padega. हम थियोरी से समझा तो सकते हैं, हालांकि थियोरी को बीच में ना उड़ाया जाए तो सही रहेगा, कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत ज्यादा है, mr स्क्वायर है, सॉलिड स्फीयर में 2/5 mr स्क्वायर, रिंग में इनर्शिया ज्यादा है, तो बस वो तो बड़ी मुश्किल से मोशन में लाया जाएगा, तो रिंग में नीचे आने पर वेलोसिटी सबसे कम पाई जाएगी। कभी कभी ये सपोर्ट भी कर सकती है थियोरी, आपको ब्रैकेट में लिख दीजिए, रिंग हैज मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ring has maximum moment of inertia and solid sphere has minimum moment of inertia. ring mein moment of inertia sabse zyada hai, mr square hai, aur solid sphere has minimum moment of inertia. of course for a given mass and radius, mass same aur radius same ho tabhi to hum comparison kar sakte hain. ek mein 2/5 aa raha hai, ek mein 1 aa raha hai, to likh dijiye ring opposes it being brought into rolling motion. The opposition of the ring to be brought into rolling motion is maximum. ring ka inertia zyada hai to ring ka opposition zyada hai, isliye ring ke niche aane par velocity sabse kam pai jayegi. ring ka opposition zyada hai, ring pe shayad zyada torque lagani padegi उसे मोशन में लाने के लिए, शायद टॉर्क आप सेम लगा रहे हैं तो रिंग पे नीचे आने में वेलोसिटी सबसे कम पाई जाएगी। यह थ्योरी का सपोर्ट है, पर थ्योरी के सपोर्ट बिल्कुल ना किए जाएं। अगर एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं तो आप थ्योरी से डिसीजन लेंगे तो उसके 50-50 चांसेस हैं सही की गलत, पर अगर मैथमेटिक्स से डिसीजन लेंगे तो समय भले ही लग जाए पर वो गारंटी से पूरा सही जाएगा। सबकी वी का फॉर्मूला लिखिए और सब में देखिए कि साथ में क्या आ रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है, अंडर रूट 10/7 आ रहा है, अंडर रूट 4/3 आ रहा है, पूरा का पूरा उसे कैलकुलेट करके देखिए रूट जीएच के साथ में क्या आ रहा है। कभी भी फॉर्मूले में वेलोसिटी के फॉर्मूले में ये तो आएगा ही आएगा रूट जीएच, साथ में कुछ आएगा, ये कभी वो 4/3 आएगा, कभी वो डायमेंशनली वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट जीआर, जैसे सर्किट की बात करें तो रूट जीआर होता था, रूट 5gr होता था वर्टिकल सर्किल, तो वेलोसिटी में डायमेंशनली रूट gx तो आएगा ही आएगा। तो ये आपको सॉल्व करके देखना कि कहां ये क्या है, डायमेंशनली वेलोसिटी के फॉर्मूले में रूट gx तो आएगा ही आएगा। ऑलराइट।
तो याद करना है तो याद कर लीजिए, वरना सॉल्व करके देखिए, रिंग की नीचे आने पे वेलोसिटी कम पाई जाती है और सॉलिड स्फीयर की वेलोसिटी नीचे आने पे वेलोसिटी ज्यादा पाई जाती है। याद करने की भी कोशिश कर लें और सपोर्ट करें मैथमेटिक्स से, थियोरी से सपोर्ट ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी मिस्टेक ना हो तो आप थियोरी से सपोर्ट ना करें, हालांकि थियोरी से सपोर्ट करने का अपना एक अलग मजा है और हमारी नेचुरल टेंडेंसी तो थियोरी से सपोर्ट करने की ही है, पर आप उस पर वर्क करिए, उसे मैथमेटिक्स से सपोर्ट करिए। इसने एक आखिरी बात बोली है कि द सपोज द बॉडीज हैव सेम मास, विच बॉडी हैज द ग्रेटेस्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन के रूप में लिख देते हैं, लिखिए अ रिंग अ सॉलिड एस सी एंड एस एस, एक रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है, हैव सेम मास। एंड दे रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, और स्मूथ है कि रफ है हम बात ही नहीं कर रहे, दे रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। कंपेयर देयर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज, कंपेयर देयर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज व्हेन दे रीच द बॉटम। सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करने को कह रहा है, कंपेयर देयर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज व्हेन दे रीच द बॉटम। तो मेरे ख्याल से तो यार मतलब अच्छा कुछ कहा नहीं है, तो इंक्लाइंड प्लेन भी आप सेम मानेंगे, ऐसा लिख लीजिए, अज्यूम इंक्लाइंड प्लेन टू बी सेम, इंक्लाइंड प्लेन को सेम मानिए और वर्टिकल हाइट को भी सेम मानिए। जो मिसिंग इंफॉर्मेशन हो उसे आप कन्वीनियंटली सेम मान लीजिए, सेम इंक्लाइंड प्लेन है, कायदे से सवाल को ये कहना चाहिए था। तो अब क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी तो इसको तो सेम इन टोटल काइनेटिक एनर्जी सब में सेम है, इक्वल टू एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी लॉस, मास सेम दिया है ना, मास सेम दिया है और हाइट सेम है और जी सेम है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम है। और मुझे पता है कि रोटेशनल अपॉन टोटल इज इक्वल टू केस पर बाय आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस केस पर बाय आर स्क्वायर। अब मुझे निकाल लेता हूं, नंबर 1 मैं रिंग के लिए निकालता हूं, जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 बाय 2 ये 50% हो गया, 1 बाय 2 ही लिख लेता हूं बस। टोटल का 50 रिंग के केस में टोटल की 50% एनर्जी रोटेशनल। अगर मैं डिस्क की बात करूं जिसको सॉलिड सिलेंडर भी कह रहा है, डिस्क की बात करूं जिसे सॉलिड सिलेंडर भी कह रहा है, तो ये हो जाएगा केस पर बाय आर स्क्वायर, डिस्क के लिए होता है हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ, तो हाफ अपॉन 3 बाय 2 यानी 1 बाय 3 यानी 3.3%, 50% है 33.3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको क्वेश्चन के रूप में देके छोड़ दिया है और आगे कोई बात ही नहीं की है, आंसर भी नहीं दिया, किसी को नहीं पता कि इसका सही आंसर क्या है। इसने कहा मास सेम है, इसका मतलब एमजीएच सेम है, तो बी लॉस सेम। अब मैं रोटेशनल अपॉन टोटल मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी नीचे आने में सेम है, टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम है नीचे, अब तो रोटेशनल अपॉन टोटल जिसका ज्यादा है उसका रोटेशनल ज्यादा है। और अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो यह 2/5 अपॉन 1 प्लस 2/5, तो 2/5 2/7 आ गया शायद, हाँ 2/7 और ये हो जाएगा 29% टाइप लिखा जा सकता है 2/7, ये अप्रोक्सीमेटली 30% टाइप का लिखा जा सकता है, ये पक्की बात है कि यह कम है। टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रिंग में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, फिर डिस्क में है और सबसे कम सॉलिड स्फीयर में। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रिंग में सबसे ज्यादा, ये बहुत टफ हो गया, बहुत टफ हो गया, एडवांस हो गया, जेई के लिए शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, नीट के लिए शायद कम इंपॉर्टेंट है, पर सीख ले तो मजा ही मजा है। थोड़ा मुझे चांसेस कम तो लगते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो है जो सॉल्व नहीं है, जैसे डिस्कस नहीं किया गया, भाई ये फिगर सब में सेम, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का 50% रिंग में रोटेशनल, टोटल काइनेटिक एनर्जी का 33.3% डिस्क में रोटेशनल और टोटल काइनेटिक एनर्जी का 29% सॉलिड स्फीयर में रोटेशनल है।
उसने पूछा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है, तो आपको ये देखना है कि टोटल एनर्जी सेम और रोटेशनल जो है ये सबसे सेम, तो जिसका ये फिगर सबसे ज्यादा है उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। बस इसको याद कर लें, इसको याद कर लें। इस तरह से ये चैप्टर बड़ा लंबा चैप्टर फाइनली गाइस समाप्त होता है और मेरी सलाह मानिए सिर्फ प्योर रोलिंग के सवाल सबसे पहले करिए। चलिए गुड लक।